हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैट प्रो पर। मेरा नाम घनश्याम चौबे है और आज मैं आपको रैबिट और ल्यूमियन की मदद से एक एलिवेशन बनाना सिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैट प्रो पर। मेरा नाम घनश्याम चौबे है और आज मैं आपको रैबिट और ल्यूमियन की मदद से एक एलिवेशन बनाना सिखाऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो हम चालू करते हैं डिज़ाइन। आज हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। इस एलिवेशन पर आज हम रैबिट की मदद से ये वाला एलिवेशन तैयार करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें और इसे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाके डिकॉल पर जाएंगे और प्लेस डिकॉल पर जाकर हम यहाँ डिकॉल टाइप का ऑप्शन ओपन होगा और यहाँ क्रिएट न्यू डिकॉल या इंसर्ट में जाकर इंपोर्ट इमेज हम करेंगे। डेस्कटॉप पर जाएंगे और जहाँ पर भी हमारी इमेज सेव है उस इमेज को हम अपने रैबिट में इंपोर्ट करेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा एलिवेशन किस तरह बनना है। फिर हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र में एलिवेशन में साउथ पर जाएंगे और यहाँ पर लेवल डिफाइन करेंगे कि हमें कितने लेवल उसमें तैयार करना है एलिवेशन के हिसाब से। सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाएंगे जो कि अपना 5 फिट ब्लू रहेगा। फिर प्लिंथ बीम जो कि 2 फिट रहेगा डाउन ग्राउंड लेवल से। फिर इसके बाद बाउंड्री वॉल या कंपाउंड वॉल। फिर हम इनकी नेमिंग चेंज करेंगे। लेवल 5 को बाउंड्री वॉल, लेवल 4 को फाउंडेशन लेवल 2। फिर हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में सभी जो भी लेवल हमने एलिवेशन में जाके बनाए हैं वो हमारे फ्लोर प्लान में शो होंगे। यहाँ लेवल 1 0 0 है। फिर इसके बाद लेवल 2, इससे ऊपर की छत मतलब 10 फिट बाद हमारी यहाँ छत आएगी। तो हम सबसे पहले लेवल 1 पे जाएंगे और लेवल 1 पे जाके इसका प्लान ड्रॉ करेंगे जो कि हम एक अप्रोक्स मेजरमेंट लेंगे और इसका हम ड्रॉ करेंगे रैबिट पर। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर में वॉल पर जाएंगे। यहाँ वॉल की हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे 8 इंचेस वॉल। जनरली हम 9 इंची वॉल यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाकर डुप्लीकेट करेंगे
ओके पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट असेंबली ओपन होगी। यहाँ पर थिकनेस पर जाकर यहाँ 8 इंचेस लिखा है, वहाँ पर हम 9 इंचेस कर देंगे। इसको फिर हम ओके करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी यहाँ पर 8 इंच 2 कर कर एक वॉल आ जाएगी जो कि प्रॉपर्टी में शो होने लगेगी। फिर हम यहाँ पर एक अप्रोक्स साइज लेंगे, जैसे 30x50 या 30x40 या 50x50 या 40x50 करके एक हम साइज लेंगे और हम अपना एक प्लान ड्रॉ करेंगे। तो हम एक 40x40 का प्लान ड्रॉ करते हैं, जिसमें एलिवेशन के अनुसार हम इसमें पोर्च पोर्च और पार्क पोर्च और गार्डन छोड़ेंगे, गार्डन स्पेस छोड़ेंगे। एलिवेशन के हिसाब से पोर्च 15 फिट है, 15x12। पंद्रह फिट ये अंदर अंदर 15 फिट हो गया। अब हम इसका डायमेंशन चेक करेंगे तो ये 19 फिट का है, इसको हम 16 फिट कर लेते हैं पोर्च के लिए। और गार्डन वगैरह, गार्डन स्पेस हमारा 7 फिट का, अंदर अंदर गैप हमने छोड़ दिया। फिर इसके बाद हम अंदर की प्लानिंग करेंगे, जिसमें हम इनर वॉल 4 इंच लेंगे। सबसे पहले हम एक हॉल डिजाइन करेंगे, जिसमें कॉमन वॉशरूम प्लस OTS रहेगा और हॉल की साइज हम 15x14 एक अप्रोक्स डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद कॉमन स्टेयर स्टेयरकेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम मॉडल लाइन के माध्यम से एक लेआउट जनरेट करेंगे। जिस
जिसमें लैंडिंग की चौड़ाई 3 फीट रहेगी और राइजर हमारा 7 इंच का रहेगा, ट्रेड हमारे 10 इंच के रहेंगे। अब हम आर्किटेक्चर में जाके स्टेयर पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर स्टेयर केस में जाके स्टेयर केस को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे छत से अटैच होगा। फिर इस तरह से हम एक स्टेयर केस डिज़ाइन करेंगे। अब हम यहाँ एक मास्टर बेडरूम जिसमें अटैच लेट बाथ इसमें एक हम OTS देंगे पीछे के लिए जिससे प्रॉपर कमरों में वेंटिलेशन बना रहे। चार फिट का इसी में हमारा कॉमन टॉयलेट अटैच रहेगी। चार फिट चार बाई 7.5 फिट का अटैच लेट बाथ और बेडरूम हमारा बारह फिट 12x14 का मास्टर बेडरूम रहेगा। अब हमें एक किचन और डाइनिंग किचन और डाइनिंग रूम निकालना है। ये हमारी किचन कम डाइनिंग और एक रूम और हमारा इसमें आएगा। अब हम इसमें ओपनिंग यहाँ पर डोर विंडो शो करेंगे डिज़ाइन के हिसाब से। सबसे पहले हम डोर लगाएंगे तो आर्किटेक्चर में हम डोर पर जाएंगे, फिर इसके बाद लोड फैमिली में जाएंगे, रिव्यू करेंगे और यूके। फिर यहाँ पर हम डोर की लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, इंटरनल डोर और एक्सटर्नल डोर। तो हम एक्सटर्नल डोर के अंदर जाएंगे और जिस भी टाइप का हमें डोर चाहिए है वो डोर हम प्रोवाइड कर सकते हैं सेलेक्ट करके। सपोज हमें इस टाइप का डोर लगाना है
डोर को सिलेक्ट किया और ओके करेंगे। और फिर प्रॉपर्टी में जाके उसकी डोर की प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे और डोर को इस तरह अंदर की ओर इंसर्ट कर देंगे। और एक डोर यहाँ लगाएंगे, एक डोर यहाँ, एक डोर यहाँ, एक डोर यहाँ, इस टाइप से हम डोर इंसर्ट करेंगे। एक डोर यहाँ किचन में लगाएंगे। फिर इसके बाद विंडो विंडो पर क्लिक किया, आर्किटेक्चर में जाके लोड फैमिली में जाएंगे, प्रीव्यू करेंगे और यूके में जाके विंडो सेलेक्ट करेंगे कि हमें विंडो किस टाइप की इंसर्ट करनी है। ये जिस टाइप की विंडो हमें लगानी है वो विंडो हम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में जाकर उसकी साइज बढ़ा देंगे। एक विंडो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये हम विंडो लगा लेंगे मॉडल में। पैनल के हिसाब से एक विंडो यहाँ, इसकी ओपनिंग बाहर कर देंगे। अभी टॉयलेट में डोर लगाना है तो टॉयलेट वाला डोर हम सेलेक्ट करेंगे और डोर को लगाएंगे। इसको सेलेक्ट किया, टॉयलेट में कन्वर्ट कर देंगे। डोर को मूव करेंगे कीबोर्ड के बटनों के माध्यम से। अब हम इसमें फ्लोर कास्ट करेंगे। फ्लोर पर जाएंगे आर्किटेक्चर में और यहाँ पर फ्लोर की प्रॉपर्टी 12 इंचेस फिल्ड, 12 इंचेस जेनरिक, 3 इंचेस LW कंक्रीट और 2 इंची मेटल डेक। तो हम यहाँ पर 12 इंची जेनरिक यूज़ करेंगे और फ्लोर की प्रॉपर्टी हम यहाँ देंगे। तो यहाँ फ्लोर की प्रॉपर्टी देने के लिए हम प्रॉपर्टी में एडिट टाइप पर जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ओके करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रॉपर्टी की फ्लोर की थिकनेस हम 2 फिट कर देंगे क्योंकि हमने फाउंडेशन 2 फिट ऊपर लिया है। फिर इसके बाद हम ओके करेंगे, ओके, और इसको मोड को ओके कर देंगे यहाँ से। तो हमारा फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको 3D में जाएंगे, 3D में जाकर चेक करेंगे कि वॉल अपनी प्रॉपर लेवल पर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से हम 2D में जाएंगे, वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे। वॉल्स को जैसे हमें 9 इंच की वॉल सेलेक्ट करना है एक बार में, तो हम वॉल्स को सेलेक्ट किया, एक वॉल को सेलेक्ट करेंगे और ऐसे कमांड देकर जितनी भी 9 इंच की प्रॉपर्टी वाली वॉल है वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी में हम प्रॉपर्टी में आएंगे, ऑफ टॉप कॉन्स्टेंट
वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर अभी अनकनेक्टेड लिखा हुआ है, तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम लेवल टू पर ऐड कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फिर से 3D चेक करेंगे, 3D में जाएंगे होम बटन पे जाके, फिर से हम इसको देखेंगे और इसको पिवोट या क्यूब होम क्यूब के माध्यम से रोटेट कर सकते हैं, या शिफ्ट प्लस व्हील को प्रेस करके हम इसको 3D व्यू में रोटेट कर सकते हैं। एस्केप करेंगे, फिर से हम लेवल वन में जाएंगे, फिर यहाँ फ्रंट वाली वॉल को हमें बाउंड्री वॉल के लेवल पर ले जाना, तो फ्रंट वाली वॉल को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी में जाएंगे टॉप कॉन्स्टेंट पे और बाउंड्री वॉल वाले लेवल पे जाके, अभी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। वॉल को सिलेक्ट किया, चलो ये अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कारण है उसका, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका 3D व्यू देखेंगे, यहाँ बॉटम बार में, यहाँ हम क्यूब पर जाएंगे सन के बाजू में और इस पर सेलेक्ट करके इसको रियलिस्टिक करेंगे, तो हमारा व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है माउस, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इस तरह से ये दिखेगा। अब हमें ये वाली वॉल शॉर्ट करनी है हॉल की, तो फिर से हम लेवल वन पे जाएंगे और इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारी वॉल शॉर्ट हो जाएगी। फिर हम वॉल को सिलेक्ट करेंगे और सभी वॉल को एक ही बार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फिर से जाएंगे प्रॉपर्टी में टॉप कॉन्स्ट्रेंट और इसको लेवल टू सिलेक्ट कर देंगे। अब हम फ्रंट वाली वॉल को सिलेक्ट किया, फिर से प्रॉपर्टी में आए टॉप कॉन्स्ट्रेंट, इसको हम बाउंड्री वॉल पर सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, तो हम फिर इसके बाद हम इसका 3D व्यू देखेंगे तो ये प्रॉपर अपने लेवल पर आ चुकी होगी। अब हम इसके बाद लेवल टू की प्लानिंग करेंगे, तो लेवल टू की प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसका लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम एलिवेशन में साउथ या किसी भी डायरेक्शन में जाके क्रिएट कर सकते हैं। लेवल टू पर जाएंगे, लेवल क्रिएट करने के लिए LL शॉर्ट की लेंगे और यहाँ पर लेवल हाइट डिसाइड करेंगे जो भी आपको देना है। जनरली हम 10 फीट की हाइट लेते हैं बॉटम स्लैब टू फ्लोर, ये लेवल 3 हो गया, लेवल 6 करके आ रहा है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हम बाउंड्री वॉल का लेवल लेंगे, बाउंड्री वॉल की हाइट हम 3.5 फीट रखेंगे, पैरापेट वॉल सॉरी, और ममटी की हाइट हम इसमें 8 फीट रखेंगे और ड्रैग करके बाहर की ओर छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पर लेवल का नाम चेंज करेंगे, लेवल पे डबल क्लिक करके पैरापेट वॉल और ओके करेंगे, यस, यहाँ लेवल 8 को ममटी MT है ममटी, और ओके करेंगे। फिर इसके बाद हम लेवल 2 की प्लानिंग करेंगे, एस्केप, लेवल 1 पे जाएंगे सबसे पहले हम,
और वॉल को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके हम आउटर वॉल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये अभी प्रॉब्लम फिर से करने लगा। ठीक है, ऐसे अभी इसको सिलेक्ट करना है। इसको हम सेलेक्ट किया या भी नहीं हो रहा है, तो बॉल को सेलेक्ट करके कॉपी डायरेक्टली हम यहाँ क्लिपबोर्ड में जाके कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल टू सेलेक्ट किया, ओके। हम इसका 3D देख लेंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लेवल टू पर डायरेक्ट प्लान कर सकते हैं इस तरह से सेकेंडों में। फिर इसके बाद हम लेवल वन पे फिर से जाएंगे और यहाँ पर अब हम पहले स्टेयरकेस को कॉपी करेंगे, या हम लेवल टू में जाके ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली सेलेक्ट किया, पेस्ट पर गए और अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल पर क्लिक करेंगे और लेवल टू यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो हमारी स्टेयर केस भी जनरेट हो जाएगी। अब हमें लेवल वन और लेवल टू की स्लैब कास्टिंग करनी है, तो हम लेवल वन पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारी स्लैब किस तरह से कास्ट हो रही है। तो हम सबसे पहले लेवल वन की स्लैब कास्ट करेंगे। लेवल वन मतलब जो आपकी 0 से 10 फीट की हाइट है, मतलब लेवल टू का फ्लोर, उसकी हम स्लैब कास्ट करेंगे एलिवेशन के अकॉर्डिंग। तो हम लेवल वन पर जाएंगे और यहाँ पर रूफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ स्लैब हम थिकनेस सेलेक्ट करेंगे, कंक्रीट 12 इंची फिल्ड, और यहाँ हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे। डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम स्लैब की थिकनेस 5 इंची कर देंगे, ओके। फिर एडिट टाइप पर जाएंगे, आज थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, इसको फिर से करते हैं बेसिक रू एडिट। अभी थोड़ा एक प्रॉब्लम, अभी हम बेसिक रू कास्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। सेलेक्ट किया, अब हम इसको लाइन के माध्यम से एक्सटेंशन देंगे 3 फिट का। सेलेक्ट करेंगे और इनको ट्रिम के माध्यम से मिला देंगे इस टाइप से। ये डोर तक गया है तो इसकी रूफ हम डोर तक ले जाएंगे, यहाँ पे यहाँ तक। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी हम ये डिफाइन स्लोप ऑफ कर देंगे, जिससे कि हमारी रूफ फ्लैट हो जाएगी, और यहाँ हम रूफ का लेवल सेकेंड कर देंगे। ठीक है, इसको इसका हम प्रॉपर्टी चेंज करके देख रहे हैं, हाँ अब हो गया। ये प्रॉपर्टी हम 5 इंच कर देंगे, ओके।
और डुप्लीकेट किया 5 इंच, यहाँ 5 इंच कर देंगे। ओके ओके और इसका मोड ओके कर देंगे। तो इस तरह हमारी लेवल 2 पर स्लैब कास्ट हो जाएगी। फिर इसका हम 3D व्यू देखेंगे। तो ये इस तरह से लेवल 2 पर रूफ आ जाएगी। अब हम फिर से लेवल 1 पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी रूफ लेवल 3 की किस लेवल पे है, मतलब कैसी कास्ट करनी है। तो ये हम चेक करेंगे। अब हमें एलिवेशन के मुताबिक ये फ्रंट डिज़ाइन तैयार करनी है। सबसे पहले हम एक लेवल करेंगे क्रिएट साउथ में जाके, जो कि डोर का डोर के ऊपर है। जिसे हम लेंटर लेवल बोलते हैं, लेंटल लेवल। या लेंटल बीम भी बोलते हैं। लेवल 1 पे जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है, विंडो है थोड़ी सी स्लैब है। तो हम फिर से रूफ पर जाएंगे, ठीक है। रूफ पर जाने के बाद यहाँ रूफ का लेवल चेंज करेंगे प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है। फिर इसके बाद हम रूफ कमांड लेंगे और डोर से इनिशियली इसको अटैच कर देंगे और इसकी मोटाई 1 फिट करेंगे। इस तरह। और इसके हम डिफाइन स्लोप ऑफ कर देंगे, जिससे कि ये प्रॉपर स्लोप में ना जाए। ओके, इसको हम पहले सेव कर लेंगे। अभी हमने प्रोजेक्ट भी सेव नहीं किया है ना। प्रोजेक्ट में डालें हम प्रोजेक्ट 40x40x T, बाई टी का मतलब यूट्यूब, और हम ओके कर देंगे। फिर हम 3D में जाएंगे, चेक करेंगे प्रॉपर लेवल पर आया स्लैब की नहीं। आ गया लिंटल लेवल में जाके। अब हम यहाँ पर वॉल ड्रॉ करेंगे। पहले इस इमेज को हम कॉपी करेंगे और लिंटल लेवल पे ले जाके हम इसको छोड़ देंगे। पेस्ट। लिंटल लेवल पे गए, लिंटल लेवल पे जाएंगे। अब हम एस्केप, यहाँ पर वॉल लेंगे 12 इंचेस का। इस तरह से या इसको 12 इंच रहने देते हैं। इसको 9 इंच में कन्वर्ट कर देते हैं 3D में जाके। ये बढ़िया है। इसकी भी थिकनेस हम 9 इंच कर देते हैं, इसकी ये शो हो कि ये 9 इंच का है कि नहीं। अब इसके बाद हम लेवल 2 की स्लैब की हाइट वॉल को सिलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में जाएंगे और लेवल 6 सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।